बहराइच में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और कोतवाली देहात इलाके के बंजारी मोड़ में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। बागपत में कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण को हटवाया गया। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी से कब्जा कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया। लखनऊ में आवास विकास ने अवैध रूप से निर्मित 5 मंजिला इमारत को सील किया। लैंड यूज के विपरीत खड़ी इमारत पर कार्रवाई की गई। बाद में बेकाबू फोर व्हीलर ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्नाव में 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। जोशीमठ में हेलन के पास कल देर रात से धू धू करके जल रहा है जंगल। आज सुबह से वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आगरा में किसानों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। सरकारी मशीनरी के प्रति नाराजगी जताई और 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गांजा तस्करी की सूचना पर मौके पर पहुंची चित्रकूट पुलिस पर ग्रामीणों ने बोला हमला। एसपी ने 3 सिपाहियों को ड्यूटी में लापरवाही के चलते लाइन हाजिर किया। गोरखपुर में किशोरी की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने किशोरी के साथ रेप और गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। लखनऊ में बेखौफ चोरों ने सीतापुर हाईवे किनारे 8 दुकानों के शटर काटे और नकदी सहित शराब की पेटियां लेकर फरार हो गए। सोनभद्र में सीएचपी में काम कर रही एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद तमाम मजदूरों द्वारा काम बंद करके मुआवजे की मांग की गई। गुड़ना में तेज रफ्तार मोरंग लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से पशु अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक का केबिन तोड़कर ट्रक में फंसे क्लीनर को बाहर निकाला गया। जालौन में बुजुर्गों के साथ शर्मनाक व्यवहार की करतूत आई सामने। वृद्धावस्था आश्रम से बाहर निकाले गए बुजुर्गों ने बताई आपबीती। गोरखपुर में एसटीएफ की टीम ने 50,000 के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। हमीरपुर में 22 साल से लापता महिला सिपाही का नहीं लगा कोई सुराग। आक्रोशित परिजनों ने 26 जनवरी को आत्मदाह का दिया अल्टीमेटम। वाराणसी में सलमान खुर्शीद के बयान पर संत समाज भड़का। अखिल भारतीय संत समिति ने राहुल गांधी की राम से तुलना वाले बयान पर आपत्ति जताई। अयोध्या में भी सलमान खुर्शीद के बयान पर संतों में नाराजगी देखी जा रही है। राहुल को लेकर कांग्रेस पार्टी अब रामलला का अभिनय कर रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का आजमगढ़ में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं शामिल हुई। अमरोहा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं के साथ मतदाता संवाद किया। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया और इस दौरान भाजपा विधायक राजीव तनारा ने सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके का होता है उसे वैसा ही लगता है। सीएम धामी ने सचिवालय स्तर के अधिकारियों और अनुभाग अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सुशासन और पारदर्शी कामकाज पर जोर दिया। ऋषिकेश में नेपाली और विदेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले सेंटर का पर्दाफाश हुआ। मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कई दिनों से धसाव के कारण जोशीमठ के कई मकानों में दरार आ गई है। आपदा प्रबंधन की टीम ने इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को सौंपी है, जिसके बाद हालात की जांच होगी। कैलाशानंद गिरी की हत्या के साजिश मामले में हरिद्वार पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया। मसूरी में फूड फेस्टिवल के कारण लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद प्रशासन ने मॉल रोड पर एंट्री बैन कर दी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है। बीवीपी ने अध्यक्ष सहित सभी पदों पर कब्जा जमा लिया। पीसीएस अधिकारी हिमांशु कलपटिया ने उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद कर्णप्रयाग तहसील का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद ललित रामदास महाराज की तपस्या जारी है। रामदास महाराज के आश्रम में प्रत्येक दिन भंडारा लगता है, जिसमें संतों के साथ यात्री भी शामिल होते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम ने अहम बैठक ली। यात्रा की तैयारियों में लापरवाही नहीं बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मेरठ के छावनी क्षेत्र में गांधी बाग में तेंदुआ दिखाई देने से लोग दहशत में हैं। वायरल वीडियो में तेंदुआ छावनी क्षेत्र में एक दीवार पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया।
संतकबीर नगर के खलीलाबाद थानों में डीआईजी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जवानों की गन नहीं चल पाई। डीआईजी ने जवानों को लगातार प्रैक्टिस करने के निर्देश दिए। दो दिवसीय दौरे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद काशी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और कल काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। कानपुर में एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने महिलाओं और बच्चों से बातचीत की और बच्चों को स्कूल भेजने का आग्रह किया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।